कि आजम खान जी भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर एमपी एमएलए की अदालत से बरी हो चुके हैं। कि जो बाबा है योगी उसका क्या हश्र होता है, किस दशा में पहुंचता है, ये देखना रोचक होगा। 1248 मंदिरों से लात मार करके संघियों को मंदिर से बाहर कर दिया। मंदिर पूजा पाठ का स्थल होता है, हथियार तैलाने का प्रशिक्षण देने का स्थल नहीं होता है। गलत परंपरा शुरू हो गई है, गलत संदेश चला गया देश में कि कानून बदल गया है। आजम खान की सदस्यता षड्यंत्र के तहत छीनी गई, जैसे राहुल गांधी की, जिन अदालतों ने गलत फैसला करके आजम खान की सदस्यता छीनी है उनका उन पर क्या दंड हो सकता है? क्या दोबारा आजम खान की सदस्यता बहाल हो सकती है? क्योंकि जिस सीट पर रामपुर से लड़ते थे उस सीट पर इनका आका सक्सेना प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत चुका है। कहीं भी यौन शोषण होता है तत्काल लिखित या मौखिक बोल करके भी अगर वहां पर बयान दर्ज कराते हो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कराना, और जो पुलिसकर्मी आपकी शिकायत की अनसुनी करे जैसे भी संभव हो सके उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने का IPC 166A के तहत, ताकि 6 महीने के लिए उसे जेल जाना पड़े, ताकि दोबारा कोई पुलिसकर्मी एहसास न कर सके। अदालत से लेकर पुलिस तक, मीडिया से लेकर के तमाम राजनेताओं को, नौकरशाहों को ये रंगार बिल्ला रेगुलेट कर रहे हैं, जो हमारे देश के संविधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका और देश के लोकतंत्र भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया गया और उन पर धारा लगाई गई, 3 खतरनाक धाराएं जो 153A, 505A और 125 धारा के तहत। और अक्टूबर 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का षड्यंत्र किया गया, ठीक उसी तरीके से आजम खान की सदस्यता छीनने के लिए 3 वर्ष की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया गया, ताकि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता छीनी जा सके। और फिर वहाँ उपचुनाव हुआ, वहाँ भाजपा का आके सक्सेना प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता है। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ एक एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, राजनेताओं को और खास करके आजम खान को भी, कि आजम खान जी भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर एमपी एमएलए की अदालत से बरी हो चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा था, हमारे देश के अंदर रंगार बिल्ला की सरकार में अदालतों को भी रेगुलेट करने का तरीका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आपके सामने पहले राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में छीनी गई, और फिर जब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो पहले जज ने फैसला सुरक्षित रख दिया और फिर कहा कि अब हम जो है छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। और मैं दूसरा जिक्र करता हूँ उसके साथ साथ में, केरल में देवास्वम बोर्ड ने, देवास्वम बोर्ड वहां पर 1248 मंदिरों की देख रेख करता है, और देवास्वम बोर्ड ने केरल के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया। ये हमारे देश में संघी प्रोपेगंडा वालों के लिए, जो 3 बेटियों के संदिग्ध मामले दिखा करके 32,000 बेटियों का धर्म परिवर्तन कर दिया, ये संघी वहां पर मंदिरों के अंदर हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे, केरल के देवास्वम बोर्ड ने 1248 मंदिरों से लात मार करके संघियों को मंदिर से बाहर कर दिया। मंदिर पूजा पाठ का स्थल होता है, हथियार तैलाने का प्रशिक्षण देने का स्थल नहीं होता है, ये दूसरी बात है। मैं केरल सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ उस बोर्ड में बैठे ताकतवर निर्णय लेने वाले तमाम सदस्यों का, और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया और मेरे जैसे लोग भी समर्थन करते हैं। मंदिर मस्जिद पूजा स्थल होते हैं, आप पूजा कीजिए, वहाँ पर नमाज अदा कीजिए, आप गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना कीजिए, चर्च में जाकर प्रार्थना कीजिए, लेकिन ये हथियार चलाने का प्रशिक्षण अगर यहाँ देव स्थलों में दिया जाता है तो बोर अपमान है। और तीसरा जिक्र मैं करना चाहता हूँ वो ये कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, कल एक अंगड़ाई थी, मैं बधाई देना चाहता हूँ, कल पूरे भारत भर से हजारों हजार लोग अपने अपने तरीके से एक जगह टेलीविजन के अपने यूट्यूब चैनल के साथी बात कर रहे थे, तो कैमरा घुमाया तो पता लगा 8 राज्यों के लोग 8 अलग अलग एक साथ खड़े थे। कोई किसी को जानता है कि नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हमारे देश में हमारे देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा दिलाने के लिए यहाँ पर बजरंग पूनिया, विनेश साक्षी और साक्षी बैठे हुए हैं, उन सब का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में आए हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिन पुलिस कर्मियों ने कनॉट प्लेस थाने के अंदर
यौन शोषण के साथ पीड़ित बेटियों की शिकायतें की थी। बहुत जल्दी ही मैं पहलवान बेटियों के साथ बनी कमेटी से बात करने वाला हूँ। 166 IPC के तहत उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हम लोग कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज कराएंगे ताकि वो 6 महीने के लिए उनको जेल की सजा मिल सके। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आप सबों से अपील करता हूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कल दूध मुहे बच्चों को भी लेकर के माए आई थी, खासकर मेरे साथ में आपने देखा होगा कुछ वीडियो भी बनाए थे, एक तरफ आरती और एक तरफ फलक था, दोनों फलक भी अपने मासूम बच्चे को लेकर, आरती भी बच्चे को लेकर गोद में आई थी। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तमाम पैरामिलिट्री पुलिस को फोर्स के जवान जो पीछे आपको दिख रहे हैं पुलिसकर्मी, तमाम उनसे जब मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात होती है वो कहती है बहुत बुरी बात है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के नड्डा अपराध कर रहे हैं, इस देश की बेटियों का यौन शोषण करने वाले बिरजभूषण को बचा रहे, यह गलत है। हम बेटियों के साथ हैं लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे को ड्यूटी करनी है। यह बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, 28 तारीख को जहां तक मेरी बात पहुंच रही हो, आवाज पहुंच रहे हो, सभी लोगों से मैं अपील करता हूं, आप सब लोगों ने सारे काम छोड़ करके दिल्ली आना है क्योंकि इस देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो यौन शोषण के खिलाफ यहां मैदान में डटी हुई हैं, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए और बिरजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पूरी भाजपा और मोदी सरकार अड़ी हुई है, उसको सबक सिखाने के लिए 28 तारीख को हमारे देश के अंदर नई संसद भवन का उद्घाटन, ठीक उस दिन जिस दिन देश से गद्दारी और अंग्रेजों से 50 रुपए मासिक का पेंशन लेने वाली यारी निभाने वाला सावरकर का जन्मदिन है। और अगर मैं चंद्रशेखर आज़ाद की भाषा में बोलूं तो चंद्रशेखर आज़ाद की भाषा में शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने एक पुस्तक लिखी सिंह लोग, उसमें यह कहा था कि ये सावरकर हमारे देश के क्रांतिकारी आज़ादी के नायकों को भाड़े के हत्यारे के रूप में समझता था, इसलिए उन्होंने इसका संबोधन कहा था, इसे हरामखोर कहा था, उसका जन्मदिन है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ उस दिन देश भर की महिलाओं ने, खास करके माँ बहनों ने, बेटियों ने, देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जिसके घर में बेटियाँ, उन महिलाओं को जिसके घर में बहनें हैं, बहनों के मामले में जिनके घर में बुआ है वहाँ भतीजों के मामले में, और जिसके घर में दादियाँ हैं दादियों को पोती के न्याय दिलाने के लिए इन बेटियों के साथ यहाँ दिल्ली पहुँचना है, यह अपील मैं आपसे करने आया हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ केरल में देवासम बोर्ड को, उसने हथियार का प्रशिक्षण देने वाले संघ पर प्रतिबंध लगाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।